दो क्वेश्चन ऑर्गेनिज्म ये रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से जरूर आता है, तो इस चैप्टर को जरूर पढ़ाएंगे। जो फर्स्ट चैप्टर जो एनसीईआरटी से कट गया, हाँ, लेकिन उसको पढ़ाना इम्पोर्टेंट है। फिर भी चलिए मेरे स्कूल साइकिल स्टार्ट करते हैं। ये चलेगा ठीक से, ये भी चल रहा है। चार फेज होते हैं इस पूरे साइकिल के, जो 28 डेज की ये साइकिल है जो ह्यूमन फीमेल में पाई जाती है, ठीक है ना। ये चार फेज में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, या ये कह लीजिए इसके चार फेज होते हैं। फेज 1 to 3 डेज का
ब्लीडिंग स्टार्टिंग दैट्स योर फर्स्ट फेज. नाउ सेकेंड फेज फॉलिकुलर, सेकेंड फेज को फॉलिकुलर फेज कहते हैं या प्रोलिफेरेटिव फेज कहते हैं. फॉलिकुलर फेज फॉलिकुलर रिलीज कर देता. क्लियर? और सेकेंडरी ओसाइट को ही हम ओवा कहते हैं. क्लियर? एंड देन द रिलीज ऑफ ओवा इज कॉल्ड ओव्यूलेशन. यानी ओव्यूलेशन पीरियड कब स्टार्ट होता है? बिल्कुल 14 डेज पर. और यह पीरियड 48 आवर्स का होता है. क्लियर? तो यानी थर्ड फेज क्या होगा बेटा? थर्ड फेज इज ओव्यूलेशन. सबको अलग अलग निकलेंगे, सबको अलग
अलग अलग लिखने के पहले बेस क्लियर होना चाहिए। इसके लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी होता है, हम आपको अभी ग्राफ बना करके भी इसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, ठीक है ना। सबको अलग अलग लिख दीजिए, सारे फेज क्लियर हो गए। फर्स्ट स्टेज मेनिस्ट्रुअल फेज, ओके, ये मेनिस्ट्रुअल फेज है जो कि 1 से लेकर 3 डेज तक या 4 डेज तक होता है या 5 डेज तक भी हो सकता है, इट इज नॉट सर्टेन, ओके। ये आपका फर्स्ट फेज है जिसको मेनिस्ट्रुअल फेज कहते हैं, ओके। एंड सेकेंड फेज वंस अगेन हम फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहे हैं, दूसरे फेज को हम फॉलिकुलर फेज कहते हैं या प्रोलिफेरेटिव फेज कहते हैं, ठीक है ना। यह जो फेज है इसका ड्यूरेशन 5वें दिन से लेकर के और 13 दिन तक होता है, 13 डेज तक। इसका टाइम पीरियड ये है, इसका ड्यूरेशन ये है, ठीक है ना। इसमें क्या होते हैं, फॉलिकल्स ग्रोथ करते हैं, हेयर मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल्स तक पहुँचता है, मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल्स रक्चर होकर के सेकेंडरी ट्यूसाइट रिलीज कर देता है। और जैसे ही सेकेंडरी ट्यूसाइट रिलीज करेगा यानी ओवा जैसे रिलीज हुआ, इस फिर नेक्स्ट फेज को हम ओवुलेटरी फेज कहते हैं और यह प्रोसेस ओवुलेशन प्रोसेस कहलाता है। क्या कहलाता है, ओवुलेशन प्रोसेस कहलाता है। तो जैसे ही ओवुलेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है बेटा ना, जो ग्रेफियन फॉलिकल्स हैं, ठीक है ना, वो जब रप्चर हो जाते हैं और ओवा रिलीज कर देते हैं, तो जो बचा हुआ उसका पार्ट होता है, जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ग्रेफियन फॉलिकल्स होता है, उसको कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्पस ल्यूटियम। तो इस फेज में आप उसको डिटेल देंगे कि कार्पस ल्यूटियम, और कार्पस ल्यूटियम ही प्रोजेस्ट्रॉन फॉर्मेशन करता है जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, यानी टू मेंटेन द प्रेगनेंसी, यानी ओवा रिलीज हो गया आफ्टर दैट द फर्टिलाइजेशन इज गोइंग ऑन। अगर स्पर्म वहाँ पहुँचता है तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है और फिर प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाला हार्मोन एक्टिव हो जाता है जिसको प्रोजेस्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है ना। यही प्रोजेस्ट्रॉन क्या करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि जो फैलो जो यूट्रस है उसकी जो इनर वॉल है जिसको आप एंडोमेट्रियम कहते हैं, ठीक है ना, उसकी थिकनेस और बढ़ेगी, ठीक है ना, वो और स्ट्रांग होगा, तभी तो वो बियर कर पाएगा भाई, है ना, तभी तो बियर कर पाएगा वो बेबी को। तो इस तरीके से वो मेंटेन करता है, यानी एंडोमेट्रियम लेयर और धीरे धीरे और उसमें ग्रोथ होने लगती है, ठीक है ना। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ठीक, तो जो है फिर वो एंडोमेट्रियम जो लेयर है वो डिजनरेट होना शुरू हो जाती है और नेक्स्ट पीरियोडिक साइकिल स्टार्ट हो जाता है, नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाता है। और उस फेज को हम कौन सा फेज कहते हैं, ल्यूटियल फेज कहते हैं, और यह फोर्थ फेज है, लास्ट एंड फोर्थ फेज ऑफ मेनिस्ट्रुअल साइकिल, ओके, दैट इज ल्यूटियल फेज। तो ल्यूटियल फेज में क्या होगा, फिर एंडोमेट्रियम की जो लेयर्स वगैरह है या जो डिजनरेटेड ओवा है जिसको आप सेकेंडरी ओसाइट कहे थे, ठीक है ना, क्योंकि अभी वो एग में कन्वर्ट नहीं हुए, जब तक स्पर्म नहीं आएगा, जब तक अराइवल ऑफ स्पर्म नहीं होगा फैलोपियन ट्यूब में, तब तक जो है वो जो सेकेंडरी ओसाइट है वो एग में कन्वर्ट नहीं होता, वो बिल्कुल रेस्टिंग फेज में ही पड़ा रहता है, यानी दैट मियोसिस सेकेंड इज सस्पेंडेड देयर, वहाँ मियोसिस सेकेंड बिल्कुल सस्पेंड कर जाता है और वो सेकेंडरी ओसाइट में ही स्टे कर जाता है। जब स्पर्म पहुंचता है तभी वो एग में कन्वर्ट होता है, या आप ऐसा कह लीजिए कि एग में फॉर्मेशन उसका हो जाता है, नहीं तो नहीं होता। तो फिर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो वो जो सेकेंडरी ओसाइट है वो डिजनरेट करना स्टार्ट कर जाए, ठीक है ना। तो इस और जो लास्ट इसका फेज है मेनिस्ट्रुअल साइकिल का, जिसको ल्यूटियल फेज कहते हैं, सेकेंडरी ओसाइट और प्लस एंडोमेट्रियम की लेयर, और एंडोमेट्रियम की लेयर बनी किससे होती है, ब्लड वेसल से बनी होती है, बोलो। तो ब्लड वेसल्स के साथ सेकेंडरी ओसाइट बाहर आ जाता है, रिलीज होने लगता है, इसी को ब्लीडिंग कहते हैं, दैट इज द ब्लीडिंग इन द मेनिस्ट्रुअल साइकिल। तो ल्यूटियल फेज में फिर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, पहले नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाती है, क्लियर, ये चीज क्लियर हो गया। तो इसमें कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, इसमें ये जो ड्यूरेशन है ये इंपॉर्टेंट है, कितने फेज होते हैं, 4 फेज होते हैं, चारों फेज के नाम इंपॉर्टेंट है ना बेटा, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से हार्मोन एक्टिव होते हैं, तो ये मैंने आपको जेनेसिस पढ़ाते समय डिटेल बता दिया था, लेकिन फिर भी एक बार और एक बार बता देते हैं,
ठीक है। तो यहाँ जो है दो टाइप के हार्मोन्स, एक तो पिट्यूटरी वाला हार्मोन जो पिट्यूटरी से हार्मोन सेक्रेट होता है जिसको क्या कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं, और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। बोलिए आंसर दीजिए, है ना। दीज आर टू कौन कौन से, फर्स्ट इज ल्यूटिनाइजिंग एंड एल ओके ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसको कि LH कहते हैं, और दूसरा है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा, फॉलिकुलर ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, यानी कहाँ पर इसका लेवल बढ़ेगा, कहाँ पर इसका लेवल राइज होगा, किसका, FSH का, जब जब ये सेकंड स्टेज स्टार्ट होती है, यानी प्रोलिफेरेटिव स्टेज में। किस स्टेज में, प्रोलिफेरेटिव, यानी प्रोलिफेरेटिव स्टेज में FSH का होगा, उसका लेवल बढ़ता है, क्लियर, क्योंकि वही हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है यस फॉलिकल्स के ग्रोथ कराने के लिए, क्लियर। ये चीज हो गया। दूसरा देखिए, जब मैंने आपको बताया दूसरी स्टेज में, इस स्टेज में जब ग्रेफियन फॉलिकल्स रक्चर कर जाते हैं, ग्रेफियन फॉलिकल्स जब रक्चर कर जाते हैं और कार्पस ल्यूटियम बढ़ता है, तो उस समय प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल बढ़ जाएगा, वो हाई लेवल पर चला जाएगा, उसका पीक मिलता है आपको ग्राफ में, समझ रहे हैं ना। और ये हार्मोन्स फिर जिसकी एक्टिविटी कम होती जाती है, क्योंकि ये वो जो प्रोजेस्ट्रॉन है वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाला हार्मोन है, क्लियर। तो यहाँ पर वहाँ पर इसका ग्रोथ जो है कम होता है। तो इस तरीके से प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन दो हार्मोन है, कौन से, ओवेरियन हार्मोन। ये दोनों हार्मोन को, इन दोनों हार्मोन को हम कौन सा कहते हैं, हार्मोन ओवेरियन हार्मोन, और LH और FSH को कौन सा हार्मोन कहते हैं, पिट्यूटरी हार्मोन। तो इस तरीके से यहाँ दो हार्मोन के सेट हमें मिलते हैं, दो सेट मिलते हैं, क्लियर। एक को हम कहते हैं पिट्यूटरी हार्मोन, फिर से सुन लीजिए, जो कि दो होते हैं, क्लियर, LH और FSH, है ना बेटा। और दूसरा जो है वो क्या, कौन सा हार्मोन, ओवेरियन हार्मोन, ये भी दो होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, क्लियर। तो इस तरीके से चारों हार्मोन का कब ये राइज और फॉल हम ग्राफ में दिखाते हैं, कब वो बढ़ता है और कब घटता है, कब उसका पीक मिलता है, कब उसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कब वो नीचे आ जाता है ग्राफ में। एक चीज तो ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन, और ग्रेफियन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट और डेज। तो इस तरीके से आप एक ग्राफ प्लॉट करिए, एक्स और वाई एक्स बना लीजिए इस तरह से, जैसे बनाते थे, बना लो, बनाओ बनाओ बनाओ, कॉपी में बनाइए, सब लोग कॉपी में बनाइए, हम भी बना रहे हैं, स्टार्ट करिए।
साथ में बनाते चलिए, टाइम वेस्ट न करें। क्लियर हो रहा है? कोई कंफ्यूजन? बोलना बेटा, बताना है। साइड और टाइम करो, जल्दी करो, टाइम आगे चले। ओके नाउ वन डेज वन डेज फर्स्ट यहाँ से डेज है ना, डेज वन टू थ्री फोर फाइव है ना, डेज फाइव तो यहाँ ऐसे कर लेते हैं। अब कितने ये कितने स्टेज को हम कौन सा स्टेज कहेंगे? फर्स्ट स्टेज कहेंगे, ये हमारा पहला स्टेज हो गया, पहला स्टेज फर्स्ट स्टेज। और फर्स्ट स्टेज का क्या नाम हो गया था? मैनेज टूअल, मैनेज टूअल है ना, तो यह आपका फर्स्ट पेज हो गया। क्लियर बनाइए बनाइए, फर्स्ट पेज हो गया। और इसको बना देंगे यहाँ बना कर दिया, और इधर फाइव के बाद और ओब्लिग्री के बीच में एक स्टेप देखिए, ओब्लिग्री से लेकर सॉरी फाइव से लेकर के 14 डेज तक ये जो पीरियड है इसको हम प्रोलिफेरेटिव फेज कहते हैं। प्रोलिफेरेटिव फेज और प्रोलिफेरेटिव फेज का क्या नाम? सेकेंड फेज कहा था, सेकेंड फेज और थर्ड फेज तीन दिमाग 28 तक क्या हो जाएगा? लिंबियल फेज। क्या हो जाएगा? लिंबियल फेज। इज दिस क्लियर? क्लियर है ना? दोनों हारमोन्स की लाइनिंग हम यहाँ बना रहे हैं, आप डिफरेंट कलर से बना दीजिएगा, डिफरेंट कलर से बना देना बेटा, ठीक है ना? तो इस तरह से एक FSH और एक LH दोनों रन करेगी, ठीक है ना? दोनों हारमोन रन करेगी और दोनों हारमोन जो कौन से हारमोन्स हैं, पिट्यूटरी वाले हारमोन हैं बोलो, तो एक हो गया LH आप इस तरह से बनाइए और ये इसका यहाँ दिखाइए। आप इस तरह से बना देते हैं क्योंकि इसका थोड़ा सा हाइट होना है,
मतलब ही नहीं, ठीक है ना। तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, राइट, ये क्लियर हो गया। इसको ठीक से थोड़ा सा ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो यह हो गया आपका रूटीनाइज हार्ट, ठीक है, एल एच, और यह हो गया आपका पॉलीफेरेटिव हार्ट, दोनों को इंडिकेट कर दिया, दोनों की लाइन को इंडिकेट कर दिया, और दोनों को डिफरेंट तरह से बना देंगे शो करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए। क्लियर, यह हो गया आपका पिट्यूटरी वाला हार्मोन। डेवलपमेंट यहाँ दिखा दीजिए, डेवलपमेंट में क्या दिखाएंगे, प्राइमरी मॉलिक्यूल, सेकेंडरी मॉलिक्यूल, टर्शियरी, और यहाँ मैच्योर मॉलिक्यूल्स दिखा देंगे। फाइनली यहाँ कार्पस ल्यूटम दिखा देंगे, इसमें अभी बना देंगे इसको। और उसका ओवेरियन हार्मोन, ओवेरियन हार्मोन बना दीजिए, तो ओवेरियन हार्मोन की स्थिति क्या होगी, जो प्रोजेस्टेरॉन है करता है, तो इस तरह से एस्ट्रोजन जो है है। ओवेरियन इवेंट्स में क्या दिखाएंगे, डेवलपिंग फॉलिकल्स दिखा दीजिए छोटे छोटे बना करके, और फाइनली आप मच्योर फॉलिकल्स कहाँ दिखा सकते हैं, इस 14 डेज पर, यानी यहाँ पर Yes, yes, I'm in the chat.
किसका एंड करना और कितना एंड करना, ये देखो इस तरह से ये स्ट्रक्चर और इसके उसके साइड एंड करना, ठीक है ना। फिर ये यहाँ से फिर रेक्चर हो जाएगा, रेक्चर को करके मोबाइल रिलीज कर देगा, है ना, जस्ट राइट। तो यहाँ ऐसे रखा, तो उसके बाद यहाँ कार्पस यूजियम के साथ दिखा दीजिए, कार्पस यूजियम अबाउट योर मेनस्ट्रुअल साइकिल, यानी कार्पस लुटियम यहाँ से कदम करना स्टार्ट कर देगा, डेवलपमेंट ऑफ या डेवलपिंग कार्पस लुटियम, डेवलपिंग कार्पस स्ट्रॉन्ग इसकी लाइफ स्टेटी और दूसरी बात ये किसी को और कुछ पूछना है इसमें। और बताइए इसमें और किसी का क्लास क्वेश्चन कुछ है। ये साइकिल फीमेल पे नियर अबाउट 50 एज तक ये साइकिल जो है ठीक है ना, ये स्टॉप हो जाती है, बंद हो जाती है, और उस स्टेज को हम क्या करते हैं, पास करते हैं। बाकी मुझे इससे कुछ पूछना हो किसी को पता है, हमने आप मुझे बता दिया था कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की फीटस में ही स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है, और इस स्पर्मेटोजेनेसिस और ओवोजेनेसिस में ये डिफरेंस है कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो पबर्टी के टाइम में स्टार्ट होता है, लेकिन फीमेल में ओवोजेनेसिस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या मदर फीटस में ही स्टार्ट हो जाता है। ओके, एंड एट दैट टाइम देयर आर 60 लाख साइड प्राइमरी साइड इज फार्म, कितना 6 लाख बनते हैं, फिर डिजनरेट हो जाते हैं, चाइल्डहुड तक आते आते 60 to 80 thousand रह जाते हैं डिजनरेट होकर, क्लियर। लेकिन उस प्राइमरी साइड जो प्राइमरी साइड बना था फीटस में, उसका मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसका मियोसिस स्टार्ट हो जाता है, प्राइमरी ओसाइट का मियोसिस स्टार्ट हो जाता है, ये याद रखिएगा। लेकिन वह प्राइमरी जो वो जो मियोसिस फर्स्ट है, वह प्रोफेज फर्स्ट में जाकर के रेस्ट करता है, माने सस्पेंडेड, क्लियर, ये चीज़ जाने रखिएगा। यानी उसका फिर उसके बाद उसका कोई डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं होता है। और जब चाइल्डहुड जब ओके चाइल्डहुड जब ख़त्म हो जाती है, फिर पॉवर्टी की स्टेज आती है, तब वो फिर प्राइमरी जो ओसाइट है वो सेकेंडरी ओसाइट में कन्वर्ट हो जाती है, ये इसका प्रोसेस, समझ रहे हैं ना। ये मैंने आपको बताया था, इसको दिमाग में सेट कर लीजिए या लाइन डायग्राम से बना लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, क्लियर। ओजेनेसिस का यह स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद मियोसिस सेकंड कहाँ स्टार्ट होती है, सेकेंडरी ओसाइट में, और सेकेंडरी ओसाइट की जो मियोसिस सेकंड है ठीक है ना, वो स्टॉप हो जाती है कहाँ पर आकर के, ओवुलेशन फेज में, जब तक कि स्पर्म नहीं आता है, जब स्पर्म आता है तब फिर एग बनता है, ये जान लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरीके से उसके जितने स्टेज हैं वो सब क्लियर कर लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है वो भी सारे स्टेज, क्लियर। और बताओ इसमें क्या बचा है, और कुछ बचा बेटा।
फर्टिलाइजेशन हम आपको बता दिए थे, फर्टिलाइजेशन हमने आपको बता दिया था, हैं? बोलो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, बोलिए। उसके बाद कोरोना रेडिएटा की सेल्स होंगी, है ना? यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्लड, ओके, इसको हम क्या करते हैं, इसके ऊपर की दो लेयर है, इसको क्या करते हैं, चूना प्रतिष्ठा करते हैं, बोलो, इसको क्या करते हैं, चूना प्रतिष्ठा, और इसके बाद कोरोना रेडिएटा की सेल्स। तो यहाँ आगे तो मैं कहीं इस पर हूँ, ये नहीं, इस पर कई इस पर आते हैं, लेकिन एक ही इस पर इस एक्स से फ्यूज कर पाता है। ये हम आपको बताए थे। तो फाइनली होता क्या है, दो टाइप के हार्मोन जो है एक्टिव हो जाते हैं, एक को फर्टिलाइजिंग, दूसरे को एंटी फर्टिलाइजिंग हार्मोन करते हैं, ठीक है ना? तो है क्या उसके बाद रखा, ये ओवम जो है, ये ओवम से स्पर्म है ना, आप जानते हैं, हम आपको बताए थे स्पर्म के स्ट्रक्चर में, इसका जो एपिकल पार्ट है उसको क्या करते थे, एक्रोसोम में क्या होता था, एक्रोसोम गॉल्जी पार्टी का बना होता था, और इससे हाइड्रोफिलिक एंजाइम्स पाए जाते थे, हमने आपको बताया था, है ना? तो वो एंजाइम्स जो है इस लेयर को डिजॉल्व करने की कैपेसिटी रखते हैं, और जैसे ही इस पर आ करके यहाँ पर इस लेयर को टच किया, ठीक है ना, तुरंत यहाँ से इस ओवम से एक हार्मोन रिलीज हो जाता है, ठीक है ना, जो कि दूसरे किसी स्पर्म को नहीं आने देता, एंड दैट ब्लॉक द साइड ऑफ इस साइड को ब्लॉक कर देता है, यानी एक ही स्पर्म एंट्री पाता है और कोई इस पर भी रुकी नहीं पाता, क्लियर? यानी यह जो है ये फिर इसको ब्लॉक कर देता है, और इस तरीके से जो इस पर है उसका न्यूक्लियस इंटर कर जाता है, और उसका न्यूक्लियस एक्स है, और ओवम का भी न्यूक्लियस एक्स है, और दोनों मिलकर के टूएक्स जाइगोट का फॉर्मेशन कर देते हैं, बोलो, क्लियर? क्या बताते हैं, टूएक्स जाइगोट, ये हो गया, ओके, टू एक्स जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, यह जाइगोट जो है फिर रेस्टिंग फेज में रहता है, बेटा, और यह सारा प्रोसेस कहाँ हो रहा है, फैलोपियन ट्यूब में हो रहा है, कहाँ हो रहा है, फैलोपियन ट्यूब में हो रहा है, फिर ये जाइगोट ट्रांसफर कर करके पूछे का कहाँ पर, बोलो, कहाँ बताएंगे हम आपको, यूट्रस में पहुँचता है, और फाइनली यूट्रस में क्वेश्चन मिल रहा है, ये क्वेश्चन बीच में आया हुआ,
है ना, जो 8 to 16 सेल स्टेज आती है, जब सेल स्टेज है ना, इस सेल स्टेज को हम कौन सा स्टेज कहते हैं, यह मॉरुला स्टेज कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट है, क्या कहलाता है, मॉरुला स्टेज। बोलो देखिए, दिस स्टेज नोन एज मॉरुला स्टेज। अब ये क्वेश्चन पूछता है कि इमेज ऑफ द फॉलोइंग सेल स्टेज इज मॉरुला स्टेज, कौन सी सेल स्टेज ऐसी है जो मॉरुला स्टेज। तो 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स की जो सेल होती हैं हम उनको क्या कहते हैं, मॉरुला स्टेज। इंपॉर्टेंट, ठीक है ना बेटा। तो इस तरह से मॉरुला स्टेज बन जाती है, ठीक है ना। अब मॉरुला स्टेज बनती है, यानी देखिए 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरीके से सेल्स डेवलप करने शुरू कर जाते हैं और मॉरुला स्टेज बनती है। और इसके सेल्स को क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। क्या कहते हैं भाई, ब्लास्टोसिस्ट। ये हो गया, इस तरह से ये सेल्स बने। तरीके से इनमें ऑर्गेनाइजेशन होता है और फाइनली गैस्टुलेशन स्टेज आती है, जिसमें कि 3 लेयर्स बन जाते हैं, है ना, 3 लेयर्स बनते हैं। तो ये गैस्टुलेशन की स्टेज होती है। तो ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है। अब देखो एनसीईआरटी देखिएगा, अगर आप मॉरुला स्टेज का मॉरुला स्टेज देखिए, डायग्राम बना हुआ है, इसको जरूर बना लेना बेटा, ठीक है ना। और इसके डिफरेंट डिफरेंट स्टेज किस तरह से कहाँ से कैसे पहुँचते हैं, इसमें नंबरिंग है इस डायग्राम में, इसको एक बार देखिएगा। माने 1 to 2 cells, फिर 3 cells, सॉरी 4 cells है ना, और 8 to 16 cells, जिसको मॉरुला स्टेज कहते हैं, ये बना है, राइट। करे द मॉरुला कंटिन्यू टू डिवाइड एंड ट्रांसफार्म इनटू द ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है ना। इस तरीके से मॉरुला डिवाइड करके ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म करता है, ओके, एंड इट मूव्स फर्दर इनटू द यूट्रस, क्लियर। ब्लास्टोमियर्स इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज्ड इनटू एन आउटर लेयर कॉल्ड ट्रोपोब्लास्ट, ठीक है ना। यानी उनमें इन्वेजिनेशन स्टार्ट हो जाता है, जो इसकी आउटर लेयर की सेल्स होंगी उनको हम ट्रोपोब्लास्ट कहेंगे, और जो इनसाइड की सेल्स होती हैं उनको इनर सेल कहते हैं, राइट, इनर सेल मास कहते हैं। तो यही इनर सेल जो मास है ये डेवलप करके बेटा, देखिए